हेलो नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू टेंथ ऑफ अक्टूबर इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए खेपरेकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं जनरल मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर जनरल मैसेजेस फॉर यूनिवर्स प्लीज बताइए करियोर हेल्थ वेल्थ मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर के प्रॉन मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर केप्रिकॉन मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर के प्रॉन हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस है फॉर के फॉर द नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टू टेंथ ऑक्टूबर यूनिवर्स प्लीज बताइए केप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस है केप्रिकॉन देखिए एज फार एज योर करियर इज कंसर्न आई फील आप ना कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं आपको नेक्स्ट टेन डेज में एंड वो डिसीजन आपको थोड़ा सा अपना फ्यूचर ध्यान में रख के लेने हैं कि फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है एंड आपको कोई चीज अटेन करनी है लेट से सॉरी यू वांट टू बिकम लेट से वीपी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी तो उसके लिए वीपी बनने के लिए आपको अभी करंट प्रेजेंट में क्या डिसीजन लेने चाहिए किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए अगर आपको दस साल बाद अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना है और वो काम आपका चार लोकेशन में होना चाहिए ये आपका एटलीस्ट ये गोल है तो उसके लिए आपको 10 साल पहले अभी आज के डेट में क्या स्टेप लेना चाहिए तो आई थिंक आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर को ध्यान में रख के फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे के हिसाब से मैं आज के डेट में डिसीजन ले रहा हूं एंड आप आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज आपका जो काम है आपका पैशन भी वही है ठीक है सो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द वर्क दैट यू डू एंड यू आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड आपका आई फील आपके काम में ना थोड़ा सा ये भी जरूरी है कि आप चार्मिंग हो ठीक है लाइक थोड़ा सा चाम यूज करना भी आपके काम में एक पार्ट ऑफ योर जॉब है लॉयल्टी दिख रही है मुझे लीडरशिप दिख रही है मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मे बी किसी को लीड कर रहे हैं या अपना कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर टीम मेंबर थे एंड नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं बट लीड करना एंड बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो वाली मुझे वाइब दिख रही है यहाँ पे एंड ऑफकोर्स सर्टन डिसीजन दैट यू आर टेकिंग बट वेरी केयरफुल बहुत एनालाइज करके डिसीजन ले रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं ठीक है ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है आपकी क्वाइट पॉसिबल पैसे को लेकर मुझे लग रहा है कि पैसे देखिए आ रहे हैं डेफिनेटली पैसे आ रहे हैं उसमें कोई यू नो लाइक दो राय नहीं है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे बट आई ऑल्सो फील दैट यू हैव अ स्पेशल टैलेंट Uh, कोई ऐसा स्किल है आपका जो आपने अभी तक दुनिया को नहीं बताया है दुनिया या आपके आसपास वाले लोग एंड आप लोगों को बता रहे हो दैट लिसन ये मेरा एक टैलेंट है ये मेरा एक स्किल है एंड आई एम आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस एज वेल सो मे बी आप अभी तक टीम मैनेज करते थे बट आप नेगोसिएशन में भी अच्छे हो या आप हायरिंग में भी अच्छे हो आई एम नॉट श्योर वर्ट थोड़ा मिक्स एंड मैच देखिए अपने हिसाब से क्या बैठता है सही बट आई फील आपका कोई एक टैलेंट है नाइन टू नाइन जॉब के अलावा मे बी आप पोएट्री बहुत अच्छा करते हैं लिखते बहुत अच्छा है गाना बहुत अच्छा बजाते हैं या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बट देर इज सम स्किल दैट यू हैव सम टैलेंट दैट यू हैव दैट यू आर लेटिंग अदर पीपल नू यू आर शोइंग यूर टैलेंट टू अदर पीपल एंड उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है ग्रोथ मिल रही है पैसे मिल रहे हैं So, पैसे आपका जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है ना उसके थ्रू आपको पैसे आते दिख रहे हैं एंड आपका मेन काम भी आप शायद आगे और बढ़ा रहे हैं एक्सपैंड कर रहे हैं एंड um, हो सकता है आपका ये जो टैलेंट है पैशन है यही आपका मेन काम भी बन रहा है विथ टाइम यही आपका मेन काम बन रहा है एंड आप इसमें पैसे कमा रहे हैं अम्म um, पेशेंस काफी रख रहे हैं आप आपको पता है कि इस चीज में टाइम लगेगा भी सक्सेसफुल होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेस के लिए इसमें टाइम लगेगा एंड यू आर बीन वेरी पेशेंट हिम्मत नहीं हार रहे हैं करेज रखा हुआ है गिव अप नहीं कर रहे हैं यू आर लाइक यू नो थोड़े टाइम में मुझे ये चीज अचीव कर लूंगा मैं थोड़ा मुझे पेशेंस के साथ डील करना है हिम्मत रखनी है गिव अप नहीं करना है एंड एक वो कन्विक्शन होती है ना अपने अंदर ही कि हो जाएगा यार मुझे पता है हो जाएगा वो वाली चीज है आप में एंड स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है आपने मैरिज को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें दिख रही हैं दो चीजें या मिक्स्ड मैसेजेस हैं थोड़े आप में से कई लोगों के लिए कोई पुराना इंसान वापस आ सकता है आपकी लाइफ में मे बी आप मैरिड हो किसी और से एंड कोई आपका एक्स वापस आ जाए ठीक है या फिर आप मे बी सेपरेट हो चुके हैं एंड जिससे आपकी सेपरेशन हुआ था वो वापस आ जाए बट मुझे ऐसा ये भी हो सकता है दैट यू आर मैरिड टू समन इमोशनली बैलेंस्ड एंड इज वेरी लॉयल एंड वेरी ऑनेस्ट बट आपका एक्स वापस आ रहा है सो नाउ यू आर कंफ्यूज कि मैं अपने एक्स को वापस एंटरटेन करूं बिकॉज द पर्सन इज आस्किंग फॉर योर फर्गिवनेस एंड दे पास स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कि मेरे पास आ जाओ यू नो सॉरी तो अब आप उनको अपने लाइफ में वापिस लो या फिर जो आपका करंट पार्टनर है and and balanced, अपने इमोशंस को ओवर पार नहीं करने देते हैं अपने ऊपर उनके साथ रहो या पुराने इंसान को एंटरटेन करो वो थोड़ा सा दिल में हो सकता है कई लोगों के लिए वो सिचुएशन भी सही बैठ सकती है हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पैर में चोट लग सकती है राइट राइट आ, राइट राइट, राइट पैर में चोट लग सकती है थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा चक्कर आ सकते हैं तो उन चीजों का ध्यान रखिए हेल्थ मनी करियर मैरिज अब हम देखते हैं टीली फॉर्चून डेक्स हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर प्रॉन बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड से रिलेटेड तो आप मुझे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में माइग्रेन हो गया पीसीओडी थायराइड साइनस सर्वाइकल इनडाइजेशन गट इश्यूज, एक्ने या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं फियर ऑफ अबैंडमेंट हो गया फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया मेंटल <coughs> क्लैरिटी uh, नहीं है किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी है रिलेशनशिप इश्यूज रिलेशनशिप ट्रॉमा चाइल्डहुड ट्रॉमा ये सारी चीजें अगर हैं आपको तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस क्यों होती हैं क्योंकि आपके चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये आप रेकी इनफ्यूज क्रिस्टल्स भी मुझसे ले सकते हैं आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे अगर आप आ, को मैनिफेस्ट करनी है कोई चीज तो आप मुझसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर इंसान की या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको कट ऑफ करनी है किसी एक इंसान से कट ऑफ करना है या किसी एक सिचुएशन से तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको फिगर आउट करना है कि आपका और किस कलर का है एज एन आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं एंड ऑल्सो आपका जो चक्रा है कौन सा चक्रा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है नेगेटिव एनर्जी से राइट right? सो so, वो हम पता कर सकते हैं औरा स्कैनिंग से अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज इन जनरल अपने ओरा के आसपास की नेगेटिव एनर्जीज क्लेंस करनी है तो और क्लेंजिंग कर सकते हैं बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये एक ये जो सारी चीजें होती हैं ये हीलिंग प्रैक्टिस होती हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस रखें एंड बिलीव करें ये हीलिंग प्रैक्टिस में अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए और आपको लगता है कि हाँ आपको पंद्रह साल का माइग्रेन है एंड वो मैं दो हफ्ते में ठीक कर दूंगी तो नहीं ऐसे नहीं होता है ठीक है तो अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो हीलिंग प्रैक्टिस आर नॉट फॉर यू इट्स नॉट मैजिक स्पेल वो थोड़ा सा Uh, आने से पहले ध्यान रखिएगा बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि क्लाइंट का एंड हीलर का दोनों का टाइम मनी एनर्जी सब वेस्ट होता है सो so, किसी को फायदा नहीं होता उसका ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए केप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी नेक्स्ट टेन डेज में केप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस फॉर केप्रिकॉन फॉर द नेक्स्ट टेन डेज शॉर्ट जर्नी हो सकती है आपकी कहीं पे आप ट्रैवल करने जाएं या फिर अदरवाइज वेकेशन हो सकता है वीकेंड ट्रिप हो सकता है या फिर शॉर्ट जर्नी एक मेंटल इमोशनल शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है कि आप कुछ करने का कोशिश करो एंड अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करो एक स्टेज से गुजर रहे हो आप तो एक छोटी सी जर्नी हो सकती है कि आपने को स्टार्ट करा सीखे लर्निंग एंड खत्म तो वो चीज भी हो सकती है किसी चीज में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कोई चीज आपने एक्सपेक्ट करी हो कि ये मुझे इतना रिटर्न देगी बट वो इतना रिटर्न दे रही है पैसे को लेकर हो सकता है सेटिस्फैक्शन वेन इट कम्स टू योर मैरिज योर रिलेशनशिप्स योर इमोशनल लाइफ योर हेल्थ कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है बट डिसअपॉइंटमेंट um, दिख रही है मुझे किसी चीज में होते हुए थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस <coughs> सॉरी थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखिए एकदम से यू नो लाइक एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत कर लीजिए किसी चीज़ से थोड़ा बीच में धरती पे कहीं रहिएगा डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद विदेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर डार्क बाल हो सकते हैं या डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है डीलिंग विदेन एज एन लाइक बॉस हो सकती हैं क्लाइंट प्रोजेक्ट कुछ हो सकता है um, या फिर आपकी वाइफ सिस्टर मदर मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ फ्रेंड कोई भी हो सकता है गर्लफ्रेंड uh, फ्रेंड हो सकती हैं बट नेक्स्ट टेन डेज में ये जो फीमेल है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपकी लाइफ में चाहे वो पैसे को लेकर हो चाहे वो आपके पास पर्सन शादी करियर डिसीजन मेकिंग फ्यूचर प्लानिंग किसी भी चीज को लेकर हो बट ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ठीक है तो इनको इग्नोर मत करिएगा जब खासकर इनके थ्रू आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हो केप्रिकॉन के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज़ बताइए करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी नेक्स्ट टेन डेज के के लिए मैसेजेस फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर के के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नेक्स्ट टेन डेज केप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड देखिए किसी दोस्त से आपको आ, कोई एडवाइस सजेशन मिल सकता है कार्ड का नाम बहुत फनी है डॉग बाकिंग जो हम बोलते हैं क्योंकि हमारे दोस्त अक्सर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं और हमें लगता है यूं ही भोंगता रहता है बोलते हैं ना कई बार हम मजाक में बट एडवाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है तो इस बारी वो मजाक में मत लीजिएगा इस चीज को सुनिएगा देखिएगा कितनी प्रैक्टिकल है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बट ये एडवाइस काफी बेनिफिशियल uh, हो सकती है ऑपरचुनिटी आ रही है विनफॉल आ रहा है ऑपरचुनिटी दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से आपको बिकॉज यूनिवर्स का काम ये है कि आपके दरवाजे पे ला के रख देना उसके बाद आप वो दरवाजा खोलते हैं या नहीं खोलते हैं खोल के आप वहीं खड़े रहते हैं ऑपरचुनिटी को ग्राब करते हैं नहीं करते हैं वो कंप्लीटली आपके ऊपर है वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यूनिवर्स का काम है आपकी तरफ चीजें देना उन चीजों को पकड़ना ग्रैब करना वो आपके uh, you know, like, आपके ऊपर है वो बट um, कोई भी नेगेटिव फोर्सेस जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं कई सिचुएशन होती है हेल्थ अपनी हेल्थ खुद के कंट्रोल में होती है इंसान कंट्रोल कर सकता है कोई अगर ओवरथिंकिंग uh, हो रही है नेगेटिविटी आ रही है ठीक है कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो हमारे कंट्रोल में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ बट कोई भी नेगेटिव फोर्सेस दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल वहां से भी आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सो यू माइट फील कि अच्छा यू नो लाइक कोई गाइडेंस नहीं है कोई बचाने के लिए नहीं है खुद ही सब कुछ करे चले जा रहे हैं कोई हेल्प करने के लिए नहीं है कौन मुझे इस चीज में गाइड करेगा बट प्रोटेक्शन मिल रही है तो कोई भी चीज आपका हार्म नहीं कर पाएगी आपको हार्म नहीं कर पाएगी किसी भी तरीके से खासकर नेगेटिव फोर्सेस जिसपे आपका खुद का कंट्रोल नहीं है ओके यस मोर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको रीडिंग पसंद आई यू नो द ड्रिल लाइक करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय